2023 में हम इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेशन एक रियल सेंस में सेलिब्रेशन हुआ, एक फेस्टिवल जैसा लग रहा था आज, क्योंकि सभी एडोलेसेंट गर्ल्स जो टीनेज लड़कियां हैं वो साइकिल पर हम पूरी पुराने शहर में फिर घूम रही थी, खुशी से घूम रही थी। उन्हें लग रहा था कि जो उन्हें कमरों में बंद कर दिया गया है उससे वो बाहर निकल आई और सचमुच उनको आज़ादी का एक एहसास हुआ। ये महसूस करने की बात है कि लड़कियों को जब हम आज़ादी का एक तोहफा देते हैं तो लड़कियां, ये जो गलत दिमाग में होता है कि लड़कियां गलत हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो सब गलत है। आज़ादी के साथ लड़कियां अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करती हैं, लड़कियों को महसूस होता है कि वो एक फ़र्द हैं, इस दुनिया में हम भी जी रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, हमारे पैरों में भी पहिए लगे हैं। ये जो एहसास है वो एहसास बहुत अहम है। साइकिल के साथ साथ हमने ऑटो ड्राइविंग भी सिखाई है लड़कियों को, तो आपको ऑटो भी नज़र आएगा। ऑटो में हमारी लड़कियां बैठी भी हैं और चलाई भी हैं, और इस तरह और हम आगे आगे लड़कियों को और ऑटो सिखाएंगे ताकि वो अपने तौर पर कमा कर जीने के काबिल बने। इस दुनिया में वो मर्द के साथ साथ, आदमी के साथ साथ औरत भी शान बशाना जी सके, चल सके और इस कारवां को और आगे लेके बढ़ते चले। हमको इस बात की भी खुशी है कि ये इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेशन के वक्त ही हमको अमेज़ॉन की जानिब से कुछ राशन किट्स मिले, तो यही एडोलेसेंट गर्ल्स जो साइकिल चला रहे हैं उनको और एनर्जी आने के लिए हमने उनको राशन किट्स भी दिया। तो इस तरीके से ये सेलिब्रेशन एक फेस्टिवल की जैसा, एक ईद जैसा लगा, और इसे हम ना सिर्फ सेलिब्रेट किए बल्कि सभी लोगों के साथ इसको शेयर भी किए।